हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो ये फॉर्मूला कब यूज होती है? तब जब हमें जो डेटा टेबल में एक्स की वैल्यू है वहां पे इंटरवल की लेंथ इक्वल नहीं होती, मतलब कि अनइक्वल इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला यूज होती है। हमने अनइक्वल इंटरवल के लिए एक और फॉर्मूला देखी है, हमने अगले वीडियो में बना के मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो, लैग्रैन्जियन फॉर्मूला। ओके, तो ये वीडियो में हम बात करते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। तो उसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं। इजी है बहुत फॉर्मूला, कुछ यानी तो कि किस तरह से है, तो कि y इज इक्वल टू y जीरो प्लस जो भी पॉइंट के पास हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे किसी बीच में कोई पॉइंट के लिए फाइंड करनी है, वो पॉइंट x माइनस x जीरो और यहाँ पे आएगा x जीरो कोमा x वन। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। पहले फॉर्मूला देख लो किस तरह से है, वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो ब्रैकेट में एक्स जीरो एक्स वन। अब आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट में, तो कि एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू। यहाँ पे जो पॉइंट है उनसे एक पॉइंट ज्यादा लेते हैं यहाँ पे। ओके, आगे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कि एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। यहाँ पे देख लेते हैं कब तक आगे बढ़ना है, एक्स फोर नहीं आ जाता तब तक, तो एक्स जीरो कोमा एक्स वन एक्स टू, बाद में यहाँ पे क्या आएगा एक्स थ्री प्लस एक्स फोर के तक जाना है। ओके, तो अब क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो टू था, अब थ्री तक जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री। ओके, तो ये पता चल गया फॉर्मूला किस तरह से बनाना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे खास एक बात नोटिस करना कि पहले वाई जीरो आता है बाद में फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं तो वो देखते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइड डिफरेंस। ओके, तो सीख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि ये है एक्स जीरो कोमा एक्स वन। तो इसका क्या बनता है, तो कि इसको हम बनाते हैं, तो कि देखो यहाँ पिछला पॉइंट क्या है, एक्स जीरो सॉरी एक्स वन, तो यहाँ पे आएगा वाई वन माइनस यहाँ पे क्या है एक्स जीरो, तो उसके सामने इमेज क्या होती है, एक्स जीरो के सामने वाई जीरो, तो यहाँ पे आएगा वाई जीरो डिवाइड बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक्स वन माइनस एक्स जीरो। वैसे मैंने आपको बोल दिया होता कि एक्स थ्री कोमा एक्स फोर क्या होता, तो क्या करेंगे, तो लास्ट टर्म का देखेंगे, उसकी सामने इमेज क्या आएगी वाई फोर और इसकी इमेज वाई थ्री डिवाइड बाय लास्ट टर्म एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। तो इन जनरल इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, क्योंकि देखिए एक्स आई माइनस वन, आई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इज इक्वल टू इंटीजर ले सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लास्ट टर्म देखो वाई आई है तो एक्स आई है, तो उसकी इमेज वाई आई बनेगी माइनस इसकी इमेज, तो कि वाई आई माइनस वन बनेगी डिवाइड बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक्स आई माइनस वन। तो आपको पता चल गया कि ये किस तरह से बनेगा, तो कि यहाँ पे क्या बनेगा, वाई वन माइनस वाई जीरो डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो ये देखो ये क्या है, वाई वन माइनस वाई जीरो, ये माइनस है डेल्टा वाई, तो आप डेल्टा वाई फाइंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डिवाइड बाय, तो कि ये लेंथ ऑफ इंटरवल, क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स जीरो है, तो ये दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय ये दोनों का डिफरेंस। ओके, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू। तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरह सिंपल है, बनाते हैं देखो, क्योंकि तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपको ये तीन है तब तो आपको करना है ये लास्ट टू टर्म देखना है, पहले को छोड़ के सारे टर्म को देख लो क्या है, तो कि एक्स वन कोमा एक्स टू है ना, तो उसकी इमेज क्या आएगी, एक्स वन की वाई वन एक्स टू की वाई टू माइनस फर्स्ट टू टर्म्स देखो, सिर्फ एक लास्ट टर्म को छोड़ दो, बाकी आगे आगे के सारे पॉइंट देख लो क्या है, उसकी इमेज ये होगी, तो यहाँ पे एक्स जीरो की वाई जीरो एक्स वन की एक्स वाई वन। ओके, तो डिवाइड में क्या आएगा, सिंपल लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कि एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो इन जनरल क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए इसकी तरह, तो एक्स
आई माइनस वन एक्स वन एंड एक्स आई प्लस वन, सॉरी एक्स आई होगा, एक्स आई माइनस वन इतने मतलब कि एक्स आई के आगे का पॉइंट और एक्स आई प्लस वन मतलब कि ये तीन पॉइंट लाइन में लिए, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो लास्ट टोटम की इमेज देखो, तो कि वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन माइनस फर्स्ट टू टर्म की इमेज, तो वो होगी वाई आई माइनस वन प्लस नहीं है ना, कोमा है, कोमा वाई आई डिवाइड बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस वन। तो ये पता चल गया आपको। इसी तरह थ्री पॉइंट के लिए हमें बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? ओके, तो थ्री टर्म के लिए करेंगे हम एक्स आई माइनस वन एक्स आई एक्स, थ्री टर्म के तो हो गया, फोर के लिए सॉरी मैं थ्री बोला, तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दो बाकी सारे पॉइंट के साथ ले लो, तो इसकी इमेज लिख दो यहाँ पे वाई आई कोमा वाई आई प्लस वन कोमा वाई आई प्लस टू माइनस लास्ट टर्म को छोड़ दो आगे के सारे टर्म ले लो उसकी इमेज लिख दो कि वाई आई माइनस वन वाई आई एंड वाई आई प्लस वन डिवाइड बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई माइनस वन। ये देखने में सब आपको हार्ड लगता है, कोई बात नहीं, टेबल में मैं आपको सिखा देता हूँ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा मन में होता है कि ये किस तरह से आता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ दिखाया है। ओके, टेबल बनाएंगे बहुत ईजी है। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जाम्पल को किस तरह से अटेंड करना है। इसको बहुत आप हार्ड मत लो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, बाद में मैं टेबल में आपको सब कुछ सिखा दूंगा ये सारा। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है आपको, गिवन द सेट ऑफ टेब्यूट पॉइंट एक्स कोमा वाई विच आर वन माइनस थ्री, तो एक्स हमारा वन है तो वाई माइनस थ्री, वैसे ही एक्स थ्री वाई नाइन, एक्स थ्री वाई नाइन, वैसे वाई सॉरी एक्स फोर वाई थर्टी, वैसे सिक्स कोमा वन थर्टी टू। अबे हमें क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू वाई एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो हमें एक्स इज इक्वल टू टू के पास यहाँ पे टू होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। सिंपल, समझ में तो आ गया क्वेश्चन आपको, और कंडीशन क्या है, यूजिंग न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, तो हमें ये नहीं बोला गया होता तो हम क्या चेक करते, तो कि पहले लेंथ इंटरवल की लेंथ चेक करते, तो यहाँ पे अनइक्वल है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, तो हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस अभी हम करने वाले हैं ये और लैग्रैन्जियन। तो अभी ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें टेबल बनाना है, हम इंटरपोलेशन में जिस तरह से टेबल बनाते थे ना बस सेम इसी तरह बनाना है, लेकिन एक कंडीशन एड हो जाएगी वो देख लेते हैं किस तरह से। क्योंकि तो यहाँ पे हम निकालते हैं, हम बोलते हैं डेल्टा वाई, तो यहाँ पे डेल्टा वाई डिफरेंस तरीके से निकालना है किस तरह से, तो कि पहले देख लो, तो कि ये हम पहले इसको एक्स जीरो बोल देते तो ये होगा वाई जीरो, इसको एक्स वन कह देते तो ये वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो यहाँ पे हम पहला डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो कि नाइन माइनस थ्री, हम डायरेक्ट करते थे ना कि नाइन माइनस माइनस थ्री तो क्या होता है कि नाइन प्लस थ्री मतलब कि ट्वेल्व, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्वेल्व नहीं लिखना है हमें, ये माइनस ये करके हमें डिवाइड करना है उसके सामने जो ये दोनों है उसका भी डिफरेंस, थ्री माइनस वन उसका डिफरेंस क्या होता है टू, तो हम टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलता है सिक्स, तो बस सिक्स हम लिखेंगे, समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे भी क्या करना है, तो इस दोनों के बीच में या बीच में लिखते हैं हम इसको, तो ये दोनों के बीच में क्या लिखेंगे 30 माइनस 9, तो क्या मिलेगा आपको 21 डिवाइड बाय, आपको क्या करना है 4 माइनस 3, क्योंकि ये दोनों का आपने डिफरेंस निकाला तो उसके सामने क्या है वो देखो, ये दोनों, तो उस दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3, तो
होता है वन, मतलब कि 21। तो क्या मिला आपको आंसर? 21। वहां पे डायरेक्ट हम डिफरेंस करके लिख देते थे, यहां पे एक कंडीशन ऐड होगी, उसके सामने जो नंबर है उसका भी डिफरेंस निकालो और डिवाइड कर दो। ओके, सेम, मैं कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं चेक कर रहा था आंसर। अब यहां पे क्या करेंगे, तो 132 माइनस 30, कंडीशन ऐड हो गई, 6 माइनस 4, तो क्या होता है? तो ऊपर से आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 102 डिवाइड बाय 2, तो 51, 51 होगा। ओके, अब नेक्स्ट किस तरह से बनाएंगे कॉलम? तो देखिए, हम बोलेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई, तो वहां पे हम क्या करते थे, ये माइनस ये करके लिख देते थे। तो यहाँ पे कंडीशन ऐड हो गई, ये माइनस ए कर रहे हो आप, तो ये किन दोनों के बीच में आता है? तो ये दोनों के बीच में, आप ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 21 माइनस 6 डिवाइड बाय क्या आएगा? तो ये दोनों के बीच में है, समझ रहे हो? तो ये दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1, तो क्या होगा? तो कि यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे 3, तो 5। ओके, अब ये दोनों के बीच में आपको लिखना है, तो क्या होगा? 51 माइनस 21 डिवाइड बाय, तो ये दोनों किन दोनों के बीच में आता है एक्स में? तो कि देखिए, ऊपर इधर आइए वाई तक, और वाई के सामने देख लीजिए ये दोनों, तो 6 माइनस 3, तो क्या होगा? तो 10, मतलब कि यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, सॉरी ऊपर 30 बचेगा ना, 33, तो 10 मिला, 10। लास्ट डेल्टा क्यूब वाई, वो किस तरह से बनेगा? तो कि 10 माइनस 5 डिवाइड बाय एक, किन दोनों के बीच में आता है? तो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ वाई तक, ऊपर जाओ जब तक वाई नहीं मिलता तब, और उसके सामने देखो ये दोनों के बीच में 6 एंड 1, मतलब कि 6 माइनस 1। तो हम जो ब्रैकेट देख रहे थे ना, सीख रहे थे फॉर्मूले में, तब क्या करते थे डिवाइड में, क्या करते थे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो पता चला क्यों करते थे? क्योंकि तो ये माइनस ये करने के लिए, हमने जो फॉर्मूला देखा था ना, एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आर, तो वो क्या होता था? तो कि वाई आई माइनस 1 डिवाइड बाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो यही करा हमने यहाँ पे भी, तो कि ये किस तरह से निकाला? तो कि 9 माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स आई माइनस 1, 3 माइनस 1, समझ गए? तो ये क्या हुआ आपका, ऊपर बचा 5, नीचे भी 5, तो 1 मिला। ओके, सही है। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला में आंसर रखना है, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? फॉर्मूला ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम कि y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू x0 कोमा x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1, कहाँ कब तक आगे बढ़ना है? x3 तक। ये तो आपको समझ में आ गया ऊपर का सारा, x0 कोमा x1 कोमा x2, बताता हूं मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, बताता हूं मैं अभी। x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x0 कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3। ओके, अब आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि तो हमारे पास x3 की तक ही वैल्यू है, अगर हम आगे जाते तो x4 की वैल्यू हमें चाहिए होती। तो यहाँ पे हमें y0 की वैल्यू पता है, 3 माइनस 3 प्लस x की वैल्यू, कौन से पॉइंट के पास आपको y चाहिए? तो कि x इज इक्वल टू 2 के पास, तो x की जगह पे 2 रखिए, माइनस x0, तो यहाँ पे 1 है। अब ये वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी x0 कोमा x1, तो ये है x i माइनस 1 कोमा x i। ये क्या है? तो कि x i माइनस 1, x i और x i प्लस 1, ये क्या है? तो कि x i माइनस 1, x i प्लस 1, x i प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा? तो कि 6, ये क्या हुआ? x0 x1 के इंटरवल की बात हुई,
प्लस एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स 1 की वैल्यू, सॉरी एक्स 0 की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स 1 की वैल्यू 3 है, और ये क्या है कि एक्स 0, एक्स 1 और एक्स 3 इसका ब्रैकेट, तो ये दोनों तीनों में कौन सी बीच की वैल्यू मिलती है 5, क्योंकि 3 वाला है ये। मतलब कि आपको यहां से यहां से यहां से यहां से इस तरह से वैल्यू लेनी है, ऊपर ऊपर की एक 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 वैल्यू आती जाएगी, याद रख लीजिए ये वैल्यू, बाद में एक कॉलम के ऊपर की वैल्यू, एक कॉलम के ऊपर की वैल्यू। अब यहां पे क्या होगा तो कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस x, 2 क्या है 4 इंटू ये 1, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है ये फॉर्मूले में। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना आप, 0 आंसर क्या मिला आपको, 0। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे वीडियो बना के रखे हैं, इजी मेथड से ही करवाया है मैंने। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस एग्जाम्पल में कुछ डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर डाउट है फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई एग्जाम्पल है जो आपसे नहीं सोल्व हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई भी करूंगा और मैं आपको सोल्व करके दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।